नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। यूपी के बरेली जिले में 14 साल पहले हुए सांप्रदायिक दंगे में कोर्ट की तरफ से मास्टरमाइंड बताए गए मौलाना तौकीर रजा को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 मार्च को इंतहाए मिल्लत काउंसलिंग के चीफ मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वहीं तौकीर रजा के खिलाफ जारी 2 गैर जमानती वारंट को लेकर 27 मार्च तक अमल होने पर भी रोक लगा दी गई है। आखिर कोर्ट के इस फैसले के पीछे की वजह क्या है, जानने के लिए देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। यूपी के बरेली जिले में 14 साल पहले हुए सांप्रदायिक दंगे में कोर्ट की तरफ से मास्टरमाइंड बताए गए मौलाना तौकीर रजा को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 मार्च को इंतहादे मिल्लत काउंसलिंग के चीफ मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जारी 2 गैर जमानती वारंट के 27 मार्च तक अमल होने पर भी रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को 27 मार्च या उससे पहले बरेली कोर्ट में सरेंडर कर जमानत अर्जी दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरेंडर करने पे बरेली कोर्ट कानून के मुताबिक जमानत अर्जी पे फैसला करेगी। हाई कोर्ट ने बरेली के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से 5 मार्च को सुओ मोटो लेकर मौलाना तौकीर रजा को तलब किए जाने के आदेश में किए गए कुछ कॉमेंट्स को आदेश से अलग भी किया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ये टिप्पणियां गैर जरूरी थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ में टिप्पणियां की गई थी। मौलाना तौकीर रजा की अर्जी पे जस्टिस RMN मिश्रा की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। बरेली कोर्ट से जारी हुए गैर जमानती वारंट के खिलाफ मौलाना तौकीर रजा ने याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की थी। सुनवाई में तौकीर रजा और यूपी सरकार के वकीलों ने दलीलें पेश की। जस्टिस RMN मिश्र की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। तौकीर रजा की याचिका पे कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पे रोक लगा दी है। इस तरह बेरगी दंगे के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को बड़ी राहत मिली है। गौरतलब है कि यूपी के बरेली जिले में साल 2010 में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। इस दंगे के दौरान जमकर हिंसा हुई थी। मामला सियासी गलियारों में भी खूब गूंजा था। तत्कालीन मायावती सरकार की खासी किरकिरी हुई थी। बता दें कि पिछले दिनों बरेली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मौलाना तौकीर रजा को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने मौलाना को दंगे का मास्टरमाइंड माना था। वहीं जब मौलाना तौकीर कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो उसके खिलाफ 2 बार गैर जमानती वारंट जारी हुआ। कोर्ट ने बरेली पुलिस को मौलाना को गिरफ्तार कर पेश करने का भी आदेश दिया, जिसके बाद बरेली कोर्ट के इसी फैसले को मौलाना ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।